आज की क्लास में बेसिकली हम लोग मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी थॉमस हंट मॉर्गन का नाम आएगा, किनका नाम आएगा, ये थॉमस हंट मॉर्गन का, तो इनके बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि इनका ऐसा स्पेशल वर्क क्या है। पहले ना सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करके आपको दिमाग में रखना है। कोरिलेट करने का मतलब कि आपने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो यहाँ पे कैसे कैसे सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की तरफ चलें तो वहाँ पे जब क्रोमोसोम के बारे में सारे डिस्कशन चल रहे थे, मतलब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने देखा था, वहाँ पे आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात ये समझ आई थी कि हम जिन क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने इसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, अगर ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर अगर जीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये जीन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो ये अलील्स हो गए। अलील्स आर द पार्ट ऑफ जीन या फिर अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। तो ये जो अलील्स यहाँ पे नजर आते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इनका बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर के पैरेलल होता है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब आपने सीखा तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको सटन एंड बवेरी का नेम जो है वो हमेशा याद रखना है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे आपको आंसर में लिखना है सटन एंड बवेरी, ठीक। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है, अब एक फ्रेश रफ पेज लेके मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि आज भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मॉर्गन साहब का ये जो काम है इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं कि अगर मेल है और फीमेल है, ठीक है, और अगर इस मेल का क्रोमोसोम है और अगर इस फीमेल का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जिस भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस होना है, जिस भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस होना है, वो एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे इसको फादर साइड से लेके आएगा और एक कहाँ से लेके आएगा, मदर साइड से लेके आएगा, ठीक है। फिर वापस वही सारी चीजें, यहाँ पे जैसे इसके पास जीन्स अवेलेबल थे, फीमेल के पास भी जीन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे इस बच्चे के पास भी जीन्स अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, जहाँ ये फादर है, ठीक है, और इस फादर के केस में क्या है, इसके पास जो यहाँ पे जीन्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, जीन्स अवेलेबल है, ठीक है। क्या ये एग्जैक्ट कॉपी है, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वेरिएशन लीड करता है, जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पे आपको ये बात बताई थी कि वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। कई बच्चों को आपने बोलते हुए सुना होगा, कई टीचर्स भी ऐसा पढ़ाते हैं, कई टीचर्स ने बच्चों को बोल दिया तुम्हारे में और तुम्हारे पेरेंट में जो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है, अच्छा तो इसका मतलब है कि हमारे में और हमारे पेरेंट्स में जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो फेस अपियरेंस में जो वेरिएशन है उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ह्यूमन है, पूरे वर्ल्ड वाइड सारे ह्यूमंस को आप देखना स्टार्ट करते हैं, सबके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो वेरिएशन बोलना गलत हो जाता। बात तो यही है ना, जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है सबके लिए अगर आप आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक को यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो पता है कि हर किसी का अलग अलग होता है। हर किसी का क्या होता है, अलग अलग होता है, फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होती है, ठीक है। डीएनए जाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनको छोड़ के, डीएनए का जो सैंपल है वो भी क्या होता है, सबका टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन को लीड कौन कर रहा है, फिर यहाँ से चैप्टर थर्ड आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, फिर इन सारे ड्रामे के बीच में ये थॉमस हंट मॉर्गन क्या करने जा रहे हैं, है ना? ऑब्वियस है, कोई भी बच्चा सोचेगा ठीक है हमने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, बट इसके बीच में इन सारे ड्रामे का क्या यूज है, क्या रोल है, पता है क्या होने वाला है आगे जाके? आज तो मैं बस इतना समझाऊंगी आपको कि इन्होंने किसका यूज किया था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑर्गेनिज्म वॉज सेलेक्टेड बाई थॉमस हंट मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है? वहां पे आपको आंसर में लिखना है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। क्या लिखना है आपको? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। जहां बैठे हैं वहीं 5 टाइम्स रिपीट कर लीजिए, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसी स्पेलिंग भी है इसकी, ठीक है? तो किसका यूज किया इन्होंने? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज किया। क्या करना चाह रहे थे ये? तो ये जो सट्टन एंड बवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे के गए हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने का काम कर रहा है। बहुत ध्यान से देखना है, कोई टॉपिक जब हमें समझ आता है ना, उसके बीच से कोई 100 क्वेश्चन भी पूछे तो आपसे सॉल्व होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, इजी भी लगता है, ठीक? वापस एक छोटा सा पैरा है, कहने को तो क्या है, एक छोटा सा पैरा है, ठीक है? हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? सटन एंड बवेरी, ठीक? हु गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? थॉमस हंट मॉर्गन। विच ऑर्गेनिज्म वॉज सेलेक्टेड बाई थॉमस हंट मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। हम कुछ और नहीं लिख सकते, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कॉपी राइटेड है आंसर को लेके, है ना? मतलब इसकी बजाय हम कुछ और लिख देना, हमारा मन करे नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर लिखने का, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है? तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? कॉपी राइटेड क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्यों यूज किया, ये अगला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई दुनिया जहान में इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इनको यही मिला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के बारे में, जब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका यूज क्यों किया था उसको हम लोग धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पे कुल मिला के आपको कौन सी बात समझ आ रही है जब आप इसको देखना समझना सीखना स्टार्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन, जो लिखना लिखिए, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन सेलेक्टेड सेलेक्टेड किसको यूज किया था इन्होंने? ड्रोसोफिला, DROSOPHILA, ड्रोसोफिला हो गया, मेलेनोगेस्टर, मेलेनोगेस्टर, ठीक है? एंड साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है? ड्रोसोफिला मेला, बिकॉज हैंड रिटन है, ऐसा नहीं कि मैं टाइप कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं छोड़ सकती थी उसको इटैलिक्स में करके। थॉमस हंट मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर किस चीज के लिए? तो फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? अब यहीं पे स्टोरी ओवर नहीं हो जाती, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो मैं आपको बोल रही थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, तो क्या इनको यही मिला था यूज करने के लिए, ठीक? तो इन्होंने जब यूज किया तो उसका रीजन क्या था? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीजन देखते हैं। रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ, ये क्या है? ये फ्रूट फ्लाइज है, ये कॉमनली जो आपको दिखता है, फल वल कटे रहते होंगे आपके घर में, फ्रूट्स वगैरह, मक्खियां जो आती है ना, फ्रूट फ्लाइज, वही है ये ड्रोसोफिला, है ना? ये क्या है?
दिखी रहा है आपको, ये क्या है, ये देखिए, देखा है आपने इसको, है ना, बहुत कॉमन है ये, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बोल दे स्टूडेंट कि हमने नहीं देखा है, ठीक है, तो बहुत कॉमन है, फ्रूट्स वगैरह कटे होते हैं तो उसके ऊपर ये आपको दिख जाती है, ठीक है। अब एक चीज है, मान लीजिए कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया, आपने बोला मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है, फ्रूट फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन आपको पता चला कि इसको आपको लैब में अवेलेबल कराने के लिए बहुत सारी कॉस्टिंग लग रही है, क्या आप उसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रूट फ्लाइज, सबसे पहली चीज तो यही है ना, फ्रूट फ्लाइज लिखने में छोटा, इसलिए मैं यही लिख रही हूँ, है ना, फ्रूट फ्लाइज आर इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, बस फॉर एक्सपेरिमेंट्स हो गया ही, ये क्या है, इजिली अवेलेबल है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन वाले, जैसे टर्टोइज वगैरह का 120 साल, 120 ईयर्स होता है, ठीक है, उतने साल तक तो हम लोगों को नहीं जीना। अब आपने क्या किया, उठा के ले आए, वैसे ऑर्गेनिज्म को पता चला जिसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब उसके पहले ही जो पर्सन सोचेगा मुझे एक्सपेरिमेंट करना है वही ऊपर चला जाएगा, तो दिक्कत है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो आपको लग रहा है ना भी कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इसका जो शॉर्ट है ना, इसने क्या किया है, थोड़ी आपको रिलैक्सेशन दे रखी है, ठीक है। देखिए, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, ठीक है, जो मैंने लिखा कि इजिली अवेलेबल इन लैबोरेटरी, यही मतलब है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, क्या लिखा है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, तो ये अपना एक लाइफ साइकिल जो है वो सिर्फ 2 वीक्स में पूरा कर लेते हैं, कितना छोटा है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लीजिए, दैट इज 2 वीक्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा वेरिएशंस जो है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जो मेल फ्लाई है और फीमेल फ्लाई जो है, दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग कराने के बाद हमें बहुत सारे उसके ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, अ सिंगल मेटिंग, अ सिंगल मेटिंग, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, ठीक है। बच्चे बोलते मैडम ये प्रोजेनीज क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, एक एक कपल के मान लीजिए 3 ऑफस्प्रिंग दूसरे के, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे कराया जाता है, इसको बल्क में कराया जाता है, मतलब बहुत सारे फ्लाइज अवेलेबल होते हैं वहां पे, तो आप जब करा रहे हैं वहां पे तो बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग्स अवेलेबल है, तो एक साथ सबको क्या बोल दिया हमने, प्रोजेनीज बोल दिया, ठीक है, शायद प्रोजेनीज वर्ड है यहाँ पे, तभी बच्चा पूछता है मेरे से। हाँ देखिए, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है, जिसको मैंने प्रोजेनीज कर दिया, वही बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे लिखा है देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। इसकी बजाय मैं बच्चों को दूसरा पॉइंट लिखने को बोलती हूँ, पता है क्या, बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप लिखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, आपको क्या लिखना है, मतलब नहीं समझे, देखिए फिर मैं इस पेज पे वापस आके वापस आपको समझाऊंगी, ठीक है, पहले जिस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं उसको कर लीजिए।
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, मैं समझा देती हूँ। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम भूल जाएंगे या एग्जाम में हमें दिक्कत होगी समझने में, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, इसको विद इन ब्रैकेट डाल दीजिए, दैट इज करके भी लिख सकते थे, दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल्स एंड फीमेल्स आर इजिली आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल, आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। कैसे हैं ये इजिली डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, यही मतलब है इसका छोटा सा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म को मॉर्गन साहब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पता ही नहीं चलता भाई मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि आपको ये बर्डन जैसा फील हो या फिर आपको फील हो कि नहीं भाई हमारे बुक में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आपको इसमें से जो इजी लगे उसको आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कल को किसी को यही टॉपिक समझाना हो, आप बोलेंगे इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सामने वाला पर्सन अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या है, क्या डिफरेंस होता है, सो बताओ मुझे, है ना, समझ रहे हैं। बस उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, बहुत ईजी है, ये इजिएस्ट है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं फोटोज देख के, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जो मतलब थोड़े वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जब नॉन कोऑर्डिनेट्स वगैरह की कैटेगरी में आप जाते हैं, ठीक है, वहां पे हमेशा ईच एंड एवरी केस में, चाहे आप कॉकरोच का केस देखिए, यहाँ पे इस ड्रोसोफिला का केस देखिए, घर में जो कॉमन जो आती है ना वो मक्खियाँ, उनका केस देखिए, सब में क्या होता है, फीमेल का साइज चाहे तो लार्जर लिखा रहेगा या लॉन्गर लिखा रहेगा, ये लॉन्ग है, मेल कैसा शॉर्ट है, देखिए फीमेल क्या है यहाँ पे, लॉन्ग है, ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल, आपको बहुत इजीली समझ आएगा, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। फीमेल कैसी है यहाँ पे, लॉन्ग है, मेल क्या है यहाँ पे, शॉर्ट है, साफ साफ पता चल रहा है, ऐसे देखिए ना, अगर आपको लगे नहीं समझ आ रहा, ऐसे देखिए, विंग्स को मत देखिए, उसको देखने से तो बराबर लग रहा है, अब ऐसे देखिए, ऐसे करती है, है ना, तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, और इसका साइज क्या है, छोटा है, मतलब लॉन्गर है, ऐसा भी नहीं कि मैंने ऐसे दो सर्कल बना दिया, ये और ये, मैंने बोला ये बड़ा है, नहीं वैसा तो है नहीं, पता चल रहा है, मतलब लेंथ देखा जा रहा है यहाँ पे, क्या देखा जा रहा है यहाँ पे, लेंथ देखा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फीमेल का पहला हमने बॉडी साइज देखा, सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसका लॉन्ग एंड पॉइंटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, कैसा है ये लॉन्ग एंड ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे टेपिंग करी है, दैट इज पॉइंटेड, ठीक है। लेकिन मेल क्या है, शॉर्ट है, एक तो ये लॉन्ग भी है प्लस पॉइंटेड भी है, दोनों का अपोजिट कीजिए, लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है शॉर्ट, पॉइंटेड का अपोजिट क्या होता है ब्लंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे कर दीजिए इसको, बस हो गया, तो क्या यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड है क्या, नो, तो ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड है, ये शॉर्ट एंड ब्लंट है, ये आप इजीली किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ही कि बहुत ऐसे हॉरिबल मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स नहीं समझाए जो आपको समझ नहीं आया, फिर आपके सर के ऊपर से चला जाए। तीसरा देखिए, अच्छा एक और चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, इसको पहले मैं यहाँ से ऐसे क्लीन कर देती हूँ, तो पता चले कि कुछ और मैं मार्क करूंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। चलिए स्ट्राइप्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। इसके स्ट्राइप्स कैसे हैं, पतले हैं, मतलब थिन है, ऐसे बना दिया आपने, ऐसे लाइंस डाल दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके स्ट्राइप्स हैं इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है। और इसके जो स्ट्राइप्स हैं कैसे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर कम है स्ट्राइप्स का, साफ साफ देख के यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। और ये जो अपेंडेजेस है ना, ये जो क्या है, ये अपेंडेजेस है, ये क्या है, सबको पता है ये क्या है,
अपेंडिजेस है। सारे पॉइंट्स इजी हैं, कुछ नहीं है। बस जब आपने लिखा ही कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप उसको समझाइए किसी को, है ना। तो फोर लेग और अपेंडिजेस की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हिंड नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे फोर लेग बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? FORELEG, फोर लेग मतलब जो आगे वाला है। यहाँ पे बहुत साफ नहीं दिख रहा है, कई जगह कई डायग्राम्स में बहुत बढ़िया और बहुत साफ साफ क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे दिखता है, ठीक है। होता क्या है, अगर हम फीमेल में देखना स्टार्ट करें, इसका जो फोर लेग है उसकी कवरिंग नहीं होती है ब्रिसल्स से, मतलब सेक्स फॉर्म बोला जाता है उसको, इसको क्या जरूरत है। जबकि कॉपुलेशन का वर्क किसका है? मेल का है। तो ऑब्वियस है कि ये जो है ये ब्रिसल से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? ब्रिसल से ये कवर्ड होता है, बस छोटी सी बात है। ये सारे क्या है? वन। अब आंख बंद करके एक बार सोचना स्टार्ट कीजिए, क्यों आप बोल रहे हैं या फिर मैं क्यों आपको ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है? यहाँ पे फीमेल का साइज कैसा है? लॉन्गर है। मेल का साइज कैसा है? शॉर्ट है। एब्डोमेन कैसा दिखा था आपको फीमेल का? फोटो बस प्रिंट करना है आपको दिमाग में, ठीक है। फीमेल का साइज आपको कैसा दिखा था? तो आपको दिखा था एब्डोमेन जो है इसका पॉइंटेड और लॉन्ग है। इसका एब्डोमेन क्या है? शॉर्ट है और ब्लंट है, ठीक है। स्ट्राइप्स कैसा था? तो इसमें स्ट्राइप्स का नंबर ज्यादा है, थिन स्ट्राइप्स विच आर मोर इन नंबर, और यहाँ पे थिक स्ट्राइप्स विच आर लेस इन नंबर। बस फोर लेग की जब हम लोग बात करते हैं, नॉट कवर्ड विद ब्रिसल्स और यहाँ पे कवर्ड विद ब्रिसल्स, ठीक है। तो ये बेसिक साइड क्या है आपके पास यहाँ पे, ऐसा पॉइंट वाइज एक टेबल है जिसको देख के कोई भी बच्चा ये बता सकता है और समझ सकता है कि हाँ अब हमें ये समझ आ रहा है कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। पहले मैं इसको ये क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना। बहुत अच्छा है ये डिफरेंस का जो टेबल है, बहुत बढ़िया है। कहीं से भी पूछा जा सकता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, या फिर हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं किसके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये प्रेजेंट होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया होगा आपका, है ना। देखिए इसके बाद ये जो पॉइंट हमने लिखा, एक्चुअली हम कहाँ से कहाँ आए सो बताती हूँ। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवा रही हूँ। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है मॉर्गन साहब ने क्यों यूज किया, किसका? फ्रूट फ्लाइज का, ड्रोसोफिला का। टॉपिक ये चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग बारी बारी से सारे पॉइंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको देखने के बाद और आपको एक चीज यहाँ पे क्या समझ आ रही है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसके पास बहुत ज्यादा हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से इसको चूज किया गया है, जिसको हम लोग बहुत इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप्स में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? लो पावर माइक्रोस्कोप्स में इजीली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिख देते हैं, एक लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये तो हो ही गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट एक लास्ट में लिख लीजिए। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, फ्रूट फ्लाइज, फ्लाइज कंटेन हाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेरिएशन भी लिख सकते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन भी लिख सकते हैं, बस एक ही है वेरिएशन। ये बहुत ज्यादा क्या करता है? शो करने का काम करता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं ऐसा भी नहीं बोल दूंगी एक पूछा एक और इसमें एक क्वेश्चन ऐड होता है, ऐसा नहीं सीधा सीधा पूछ दिया, एक एडिशनल क्वेश्चन होता है, ठीक है। What was the work of Morgan? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो he gave experimental verification to the chromosomal theory of inheritance, या for the chromosomal theory of inheritance, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख देना है, ठीक है।
ये साइज में, और बच्चे तो 10-10 पॉइंट बनाते हैं इसमें। इनका साइज क्या है, काफी टिनी है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इजिली अवेलेबल है। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं हमें एलिफेंट पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपका कॉस्ट भी उतना जाएगा, ऊपर से आपको रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। सिंथेटिक मीडियम पे एक पॉइंट मिस हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं उसको, है ना। एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है। इसको बहुत ईजिली देखिए ना, ये जो फ्रूट फ्लाई आपके पास अवेलेबल है, कोई सा भी बेचारे को सिंथेटिक मीडियम दीजिए, ये देखिए, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, वही बात है, इजिली अवेलेबल जो है लैब में, तो तभी तो बोल रहे हैं ना, जब आप क्या कर सकते हैं उसको इजिली लैब में ग्रो करा सकते हैं, हवा में तो हम बोलेंगे नहीं, है ना। तो लिख सकते हैं पॉइंट्स को आइसोलेट करके, ज्यादा पॉइंट्स भी आप उसमें से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको एक टॉपिक कराया है जहाँ पे आपने सीखा है थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने का काम किया है। इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने का काम किया है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने का काम किया है, किसको दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसको बोल रहे हैं कि भाई तुमने ठीक बोला था, रुको मैं तुमको प्रूफ करता हूँ। तो ये बोल रहे हैं सटन एंड बवेरी साहब को, किसका यूज किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का, ठीक है। साधारण कॉमन नेम क्या है इसका, फ्रूट फ्लाईज है ये। घर में जो फ्रूट्स वगैरह कटे होते हैं उस पे जो आपको देखने को मिलता है, देखिए कितना बढ़िया इसके पास क्या है, वेरिएशन दिख रहा है। इसके ऊपर तो पूरी डिस्कशन है आगे जाके। इस फ्रूट फ्लाई के आई का कलर क्या है, रेड है। इसकी आई का कलर क्या है, व्हाइट है ना। तो इन सब के बीच में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। और अभी अभी क्या किया मैंने आपको, ये रीजन सिखाया है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कुछ और क्यों नहीं मिला इनको सिलेक्ट करने के लिए, इसी का इस्तेमाल इन्होंने क्यों किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आज की क्लास में, समझ आया, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। है ना। हाँ, इसको ना लिख के जरूर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर जो, उसको लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, उसको मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं उसमें चेक कर सकूँ, करेक्शन कर सकूँ, कैसे उसको करना है, पॉइंट वेज करना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है ना, डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा उसको मुझे भेजा भी कीजिए, सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता चले, है ना। चलिए, ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, बस एक सिंपल सा ये ड्रॉबैक है कि अगर बच्चा चाहे कि नहीं, मुझे अपना होमवर्क टीचर को दिखाना ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे ड्रॉबैक हो जाता है कि फिर वो टीचर करेक्शन करे तो करे कैसे, है ना। तो उसको थोड़ा सेंड करना स्टार्ट कीजिए, मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत डिटेल में और सिंप्लीफाइड करके बता रही हूँ, तो डाउट तो खैर कहीं पे नहीं आएगा। अगर आता है तो, कई बार होता है लिखने में डाउट्स आते हैं, आपको पता चलेगा अच्छा मैं यहाँ पे फंस रही हूँ, तो मैं ये पूछती हूँ टीचर से कि इसके रिगार्डिंग क्या और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं आप लोग, तो और हम लोग इसमें जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी